हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.7 में और क्वेश्चन नंबर है 26। क्या कह रहा है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, प्रूव दैट बीसी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में एडी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। जो राइट एंगल है कहाँ पे? सी पर, है ना। एबीसी ट्रायंगल है और जो राइट एंगल है किस पर? सी पर। क्या कह रहा है कि डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का। यहाँ पर डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। चलिए तो अब ये मिड पॉइंट हमने दिखा दिया, अब हम लोग यहाँ से ए डी को ज्वाइन कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए, चलिए हमारे पास क्या यहाँ पे गिवन है। गिवन है हमारे पास कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंगल सी इक्वल टू में 90 एंड डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है। टू प्रूव बी सी स्क्वायर इक्वल टू में 4 इंटू में ए डी स्क्वायर और माइनस का ए सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमारे पास कह रहा है कि डी जो है ना मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी का जब ये मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है डी, तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो सी डी जो है लिख सकते हैं कि हाफ हो जाएगा बी सी का। सी डी जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा बी सी का, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब चलते हैं ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस से लिख सकते हैं कि सी डी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर। पाइथागोरस है ना, बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद देखिए, हम लोग ए सी स्क्वायर को उधर लेके चले जाते हैं, तो हो जाएगा सी डी स्क्वायर इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर। देख रहे ना, ये सब अब आते जा रहा है। अब इस सी डी को हटाकर हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आ जाएगा 1/4 बी सी स्क्वायर इक्वल टू में ए डी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर। ये 4 जो है डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 4 इंटू में ए डी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। इन ए क्वाड्रेटर ए बी सी डी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, प्रूव दैट एंगल ए सी डी इक्वल टू 90। चलिए हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटर पहले बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर एक क्वाड्रेटर पहले फॉर्म कर लेते हैं। ये आपका क्वाड्रेटर हम लोग यहाँ पे बना ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग यहाँ पर एक क्वाड्रेटर बना रहे हैं। अब आपको कैसा ट्रायंगल बना दिया अपने? नहीं, हम लोग क्वाड्रेटर ही बनाएंगे, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं, इसको और थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटर हो गया। इसका ये मैंने एक डायगोनल मिला दिया है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं और यहाँ डी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी 90 दिया है ना, ठीक है। चलिए तो ये जो ए बी सी डी क्वाड्रेटर देख रहे हैं, इसमें दिया है कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो हमें प्रूव करने के एंगल ए सी डी, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 होगा। चलिए गिवन में देखिए क्या कह रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल बी इक्वल टू में 90 डिग्री एंड यहाँ पर दिया हुआ है कि ए डी स्क्वायर जो है कि इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के, ठीक है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें? एंगल ए सी डी इक्वल टू में 90 डिग्री। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इन ट्रायंगल
ए बी सी देखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि ए डी स्क्वायर जो है ना इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर का यो सम जो है कितना होगा, ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा ना, हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर और प्लस में इन दोनों को हटा कर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर और प्लस में सी डी का स्क्वायर जो दिया है वो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा है, तो ये हमारे पास ऊपर गिवन में है। अच्छा, ये कैसे लिखा है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल है, या ए सी स्क्वायर है सी डी स्क्वायर, ऐसे आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए डी स्क्वायर जो है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। तो हम जान रहे हैं कि एक ट्रेंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर अन्य जो अदर दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम इक्वल हो, तो उसके जो जो आपका साइड होगा इसके अपोजिट वाला एंगल 90 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बाई बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्ज से क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल ए सी डी इक्वल टू में 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड क्या कह रहा है कि फ्लाइज ड्यू नॉर्थ टू एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम एंड अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, ये आप मान लीजिए एयरपोर्ट है, यहाँ से एक एरोप्लेन उड़ती है किस डायरेक्शन में, तो कह रहा है कि नॉर्थ में। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ती है इस तरह से इधर की ओर। ठीक है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा एरोप्लेन जो है वो वेस्ट में, वेस्ट डायरेक्शन में, वो 1200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, ठीक है, तो ये दिया है यहाँ पे स्पीड, इधर दिया है 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और इस पे इधर जो एरोप्लेन ट्रेवल कर रही है वह 1200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। हाउ फार ए पार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर वन इंटीजर 1/2 आवर, यानी कि वन इंटीजर 1/2 आवर, यानी कहने का मतलब कि 1.5 घंटे बाद वो दोनों एरोप्लेन कितने दूरी पे हो जाएंगी। ये इधर जाएगा 1.5 घंटे तक 1000 किलोमीटर की स्पीड से, ये 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 घंटे तक। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट ओ से एयरपोर्ट, इस ओ पे एयरपोर्ट है, यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, ये ए पॉइंट तक जाता है और ये बी पॉइंट तक जाता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये 1.5 घंटे में हमें ये पता होना चाहिए। उसी तरह से ये भी एरोप्लेन दूसरा जो है 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फर्स्ट फर्स्ट प्लेन, फर्स्ट प्लेन और डिस्टेंस क्या हम ले लेते हैं, वह डिस्टेंस हम लोग ओ ए ले लेते हैं, जो कि वो किसके इक्वल होगा। तो देखो स्पीड दिया है 1000 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 3/2 आवर, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है ना जी, तो इतना किलोमीटर आ जाएगा, इतना किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पे ये काट सकते हैं, तो 5 3 15 100 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का इस डिस्टेंस जो है 1500 किलोमीटर है। अच्छा, 1500 किलोमीटर। उसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेकेंड प्लेन। अच्छा, ओ भी वो क्या हो जाएगा, तो वो 1200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और 3/2 आवर के लिए, यानी कि 1.5 घंटा के लिए। ठीक है, तो इतना किलोमीटर होगा डिस्टेंस, यहाँ से काट सकते हैं 1800 किलोमीटर हो जाएगा।
1800 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा। अब देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू प्लेन आफ्टर वन इंटीजर वन बाई टू आवर, तो क्या हो जाएगा वो, तो वो जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, वह ए बी होगा, जो कि ए बी होगा, और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर और प्लस में ओ बी का स्क्वायर। चलिए अब इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1500 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना है जी 1800 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 225000 और 1800 का 324000, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 549000, यही ना आ जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे इसे सॉल्व, चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं इसे का 3 × 3 × फैक्टर करके देख रहे हैं 61 × 100 × 100 कर लेते हैं, 4 × 0 है ना जी, चलिए तो ये पेयर बन गया यहाँ भी यहाँ भी, तो हो जाएगा 3 × 100 और रूट अंडर 61, तो यहाँ पे 300 और इंटू में रूट अंडर 61 का वैल्यू निकालेंगे तो 7.81, तो इसमें अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा 2343 किलोमीटर लगभग, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके इससे रिलेटेड नोट्स के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।